अभी हाल ही में अग्नि पाँच बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है और इस परीक्षण में हम लोग पास हो चुके हैं और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसका प्रभाव आधी दुनिया तक रहेगा इसकी पहुंच अब आधी दुनिया तक रहेगी और आप देखेंगे कि अगर पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान बांग्लादेश म्यांमार इस तरह के अगर पड़ोसी हो तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा अपनी हमें रक्षा प्रणाली मजबूत करनी ही होगी और इसलिए भी ये खास है क्योंकि आप देखेंगे रात के समय में ये परीक्षण किया गया है रात के समय में ये परीक्षण किया गया है तब भी ये सफल रहा है और ये परीक्षण कहाँ से किया गया है ये उड़ीसा में आप लोगों को अब्दुल कलाम आइसलैंड देखने को मिलेगा वहां से किया गया है अगर आप लोग उड़ीसा को देखना चाहें ना तो ये भुवनेश्वर है और इसकी राजधानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर देखने को मिलेगी इसकी सीमा की बात करें तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है और आप लोगों को एक और बता दूं कि यहाँ विधानसभा में अगर आप देखें तो एक सौ सैंतालीस सीटें हैं लोकसभा में इक्कीस सीटें हैं राज्यसभा में दस सीटें आपको देखने को मिलेंगी एक लाख पचपन हजार सात सौ सात वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा अगर हम लोग इस मिसाइल के बारे में बात करें तो अग्नि फाइव या अग्नि पांच एकीकृत एक निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली उन्नत कि की मिसाइल है सतह से हवा में या हवा से सतह पर तो सतह से सतह पर मार करने वाली उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है या दागो और भूल जाओ मिसाइल है और जिसे इंटरसेप्टर मिसाइल के बिना रोका नहीं जा सकता है और मिसाइल में 5000 किलोमीटर की सीमा से परे लक्ष्य को भेदने की क्षमता है और यह है भारत की आत्मरक्षा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है यानी कि भारत से अगर आप देखेंगे इसे छोड़ेंगे तो 5000 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगी इसका प्रभाव इतना है अग्नि मिसाइल की बात करें तो अग्नि मिसाइल बरग भारत की परमाणु लॉन्च क्षमता की रीढ़ है और जैसे कि पृथ्वी कमदोरी की, की बैलिस्टिक मिसाइल पंडुबी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान शामिल है अग्नि एक से पांच तक मिसाइलें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित की गई हैं डी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा किसके बारे में डी के बारे में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं और इस तरह के संगठन रहते हैं ना तो उनके बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा उनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी डी की नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा अग्नि अन्य मिसाइलें देखें इसकी तो पहली मिसाइल की देखें तो आप देखेंगे अग्नि पहली या अग्नि एक तो इसमें आप देखेंगे 700 से 800 किलोमीटर की सीमा है इसकी मारक क्षमता है अग्नि दूसरी रेंज की देखें तो इसकी 2000 किलोमीटर से अधिक की रेंज क्षमता है और अग्नि तीन देखें तो 2500 किलोमीटर से अधिक की सीमा तक ये पहुंच जाती है अग्नि फोर को देखें तो इसकी रेंज पैंतीस किलोमीटर से अधिक और यह एक रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर की जा सकती है और अग्नि अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है यानी कि कई महाद्वीप इसके अंडर में आ जाते हैं और जिसकी रेंज क्षमता 5000 हजार किलोमीटर से अधिक आप लोगों को देखने को मिलेगी और इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा दिया गया था जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं और इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था और रक्षा बलों की विभिन्न प्रकार की मिसाइलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के तहत पांच मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने की मंजूरी दी गई और इसे वर्ष उन्नीस में शुरू किया गया था और मार्च दो में पूरा हो गया था रणनीतिक रूप से स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों को आकार देने के लिए यह देश के वैज्ञानिक समुदाय शैक्षणिक संस्थानों अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं उद्योगों और तीनों रक्षा सेवाओं को एक साथ लाया और आप देखेंगे इसकी एकीकृत एक एक निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम की के तहत विकसित की गई मिसाइलें पृथ्वी ये आप देखेंगे सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि ये सतह से सतह पर मार करने वाली सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी अग्नि त्रिशूल की बात करें तो सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है त्रिशूल सतह से आकाश में मार करती है पृथ्वी सतह से सतह अग्नि सतह से सतह नांग की बात करें तो तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है यह नाग वहीं आकाश की बात करें तो सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है और आप लोगों को बता दूं कि देखिए अगर हम लोग इस तरह की मिसाइलें बनाते हैं तो यह हमारे लिए खुशी की बात होती है अगर हम किसी और देश से खरीदते इसमें कोई खुशी की बात नहीं है क्योंकि कोई भी देश किसी से भी खरीद सकता है अभी आपने देखा होगा रफेल खरीदे गए थे तो बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी लेकिन मुझे लगता है खुशी का दिन उस दिन होता जब हम लोग इस तरह की विमान बना रहे होते अपने भारत में और दूसरे देशों को बेच रहे होते तो आत्मनिर्भर की भी बात हो रही है तो रक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं और आए दिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारी झड़प होती रहती है तब भी हमें अभी इन्हीं रक्षा पर ध्यान देना है और इस तरह के टॉपिक्स से कई बार आप देखते हैं क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं हमेशा पूछे जाते हैं चाहे आप लोग स्टेट पी की तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या और भी आपके तमाम वन डे एग्जाम होते रहते हैं सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर तो उनमें भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं चलिए तो इसके बारे में इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है